तो जहाँ भाई भाइयों में इतना प्यार होता है बड़ा अच्छा लगता है, और माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। माँ बाप का मरना तो तब होता है जब भाई भाई में बन नहीं रही हो, हैं? तो अच्छा, लड़ते तो बेटे हैं और मरते मरते माँ बाप हैं, चूंकि माँ बेचारी कित गुरु है, जाकी कहे तो जाकी कहे तो जाकी बुरी और जाकी कहे तो जाकी बुरी, ऐसे बाप बेचारो। तो जब औलाद जब एक होकर के रहती है तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो प्रेम है ना, ये सचमुच हमारे परिवारों में यदि हो जाए तो इस कलयुग में भी उस घर में समझ लो त्रेता युग है, उस घर में कलयुग आया ही नहीं है जिसमें राम लक्ष्मण जैसा प्रेम है। तो कल मुझे परसों भूपेंद्र की बात जो है बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों में जो प्रेम है, एक बात और बड़ी प्यारी लगी कि जो प्रेम है ना, वो प्रेम को तोड़ने के लिए जो बाहर से जो घर में जो सदस्य आ जाते हैं, यदि वह भी इतने ही प्रेम से भरे हुए हों तो शायद घरों में कभी बिखराव नहीं आएगा। लेकिन बाहर के सदस्य आते हैं, वे कान से दे दनादन लगे ही रहते हैं कि हमें तो न्यारो होनो है, और तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारो बाप न्यो, तुम्हारो बड़ो भैया न्यो, छोटो भैया न्यो, जबकि भैया भैया कभी अलग होना नहीं चाहते। अच्छा, कभी कभी ये भाई भाई जो है पत्नियों को अलग कर देंगे, रोटी अलग कर देंगे, चूल्हे अलग कर देंगे, लेकिन ऊपर से भी अलग मीटिंग कर लेते हैं कि सुनो जिन्हें तकरार है रही है जिन्हें अलग अलग कर दो, अपन तो एक रहेंगे। हाँ, हैं? तो ये नीति अपनानी पड़ती है। तो ये भरत जी का जो प्रसंग है ना, इसमें मुझे भाई भाई की जब बात याद आती है तो मुझे एक बात याद आती है। मेरे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, राजस्थान में दो भाई भाई थे और बड़ा प्रेम था उनमें, इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के लिए मरे जाते थे। जब तक जो है दिन में एक दो घंटा बैठ नहीं लेते तब तक उनका मन नहीं भरता था, और एक दूसरे की बुराई सुनना तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद। अच्छा, एक बात बताऊं, मन में खटास पैदा कब होती है, जब एक दूसरे की बुराई सुनना चालू कर देते हैं, फिर धीमे 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 वो बुराई जो है दिल में बैठती चली जाती है। लेकिन उन भाइयों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, लेकिन उनकी घरवाली जो है दोनों ऐसी आ गई, कैसी कहूँ, एरी मैया, दोनों घर दोनों भाइयों के लिए ऐसी जहर घोरनी आ गई, पूरे जहर घोल दो इन्हें। तो बालक भाई, जब बालक भाई तो एक के चारे और एक के पांच, तो दो भैया ने बड़ो गर्व हो कि चलो नौ पट्ठा है गए घर में, हैं? अब कोई चिंता, अब तो जो है पहले बालक जो है जवान है जाते तो घर में गर्व की बात होती है कि हमारे घर में पांच लठियाएं या नौ लठियाएं। अब कहा भयो कि ये जब दोनों बड़े होने लगे तो उन दोनों ने चाची ताइयों ने आपस में इतनी बैर की गांठ बांध ली बिना बात, जबकि ये भैया समझा कि मर गए, कछूना धरो कोई संगना ले गो सब यहीं धरो रह जागो और तुम प्यारते रहो। बोली मैं तो नहीं रहूंगी, हैं? तुम्हें मरना तो मरो, हैं? अनेकों कमियां एक दूसरे को गिना देती। अच्छा, एक बात बताऊं, भैया भैया एक खून के होते हैं ना, इसलिए जल्दी से उनके मन में बैर पनपता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दूध पिया है, एक पेट में रहे हैं, एक बाप के हैं, हैं? उनके मन में बैर नहीं पनपता। पर ये जो कारे मूड की आ जाते ना दूर दूर से अपने अपने बात ले लेके खानदान की, और जिनको दिनों रात जे काम रहता है कैसु न कैसु करके जिनमें विरोध होए जे अलग होए। अच्छा, आदमी ने पे तो चली नहीं, दो भैया ने पे तो चली नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद में बैर के बीज डालना शुरू कर दो, एक के चार एक के पांच। तो वो चारों ते अपने इनते कहती, खबरदार जो ताई के यहाँ गए तो तेरी ताई ने हम सताए हैं, तेरे ताऊ ने हमारा संग ना दयो, तेरे ताऊ यो हैं। तो बालक तो बेचारे कोरो कागज हैं, जैसो भरोगे वैसो भर जागो। और बड़ी बारी कहे कि तेरी चाची बहुत खतरनाक है, तेरी चाची बहुत बुरी है,
पता हो तो चाची ने मैं शंका करो यो करो त्यों करो सो बिचारे बालकन में बैर भरेगो आगे भर गई एक दूसरे के प्रति। अब धीमे धीमे जिनको आयो बुढ़ापो और बिनकी आई जवानी। अब बड़े बूढ़े की चले वो बंद है गई। अब ये जवान जवान छोरने की चले वो चालू है गई। तो दोनों में नेक बात में अच्छा पहले तो भीतर बैर भरे भयो हो तो लड़ाई है भी नेक दिल लगते हैं नेक नेक बात में लड़ाई है जाते सो दोनों में लड़ाई है गई गोलीबारी है गई। खैर जी पड़ गई कि कोई मरे नहीं चारों जाके जिंदा पांचों बाके जिंदा। लेकिन आवाजाही बंद है गई बोला चाली बंद है गई। अब ये दोनों बड़े बूढ़े एकांत में अकेले जाके रो करें कि भैया बालकनम बैर पर हो और न तो तेरी सुन रहे और न मेरी सुन रहे हैं जिन्हें बाहर से आई भई जिन नारी ने हमारे घर को सुपड़ा साफ कर दो आज हमारे पांच और चार इकट्ठे रहते तो नौ पट्टा है जाते हैं आज हमारे क्षेत्र में बोल वालो हो तो बड़ो भैया रोवे अपकू छोटो रोवे अपकू दोनों भैया रोए चिंता सताई जा रही। बस चिंता में का भयो कि बा बड़े भैया अटैक आएगो और बड़ो भैया मरेगो और जब बड़ो भैया मरेगो अच्छा दुनिया की नजर में जिनको बोला चालो नहीं होता पर ये तो खेत पे जिनने एक नियम बांध लो ऐसे हिसाब से जाते कि अकेले में जाके खूब बतरावते एक एक घंटा इतना प्यार था। लेकिन दुनिया की नजर में और बालकनी की नजर में बोला चालो नहीं है तो अब जैसे बड़ो भैया मरियो तो छोटो भैया भाग्यो बाकी अंतिम दर्शन करवे के लिए सो बालकन ने पकड़ लो बोले हम आवाज आयो ना हो तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। वो बोले भैया के अब मरवे के बाद थोड़ी बैर रहते है बैर तो जीते जी तक है और मेरे भैया को तो कोई बैर नहीं है तो तुम्हारी माताओं ने हमें बैर डाल दे नहीं हम तो एक दूसरे के लिए मर मिटता है। बेटा माने बहुत समझाए पर बे कहाँ समझे बारे बिना तो जवानी को खून गरम बे नहीं माने तो बिन ने अपनो बाप जो है किवान बंद करे कवराम बंद कर दो और बोले 13 दिना तक तुम बाहर नहीं निकलोगे जई में रोटी मिलेंगी तुम्हें। अब बेचारो बड़ो बूढ़ो रोवे और 13 दिना तक बंद रखो। वो सोचे कि नेक और बाहर सब चर्चा करें कि वो छोटो ना आयो भाई है जिन्हें तो बड़ो प्रेम का है गो सब लोग जो बतावन लगे। कि जिन भैयन जैसो प्रेम को हतो नहीं हो पर ऐसी नजर लगी दुनिया की। एक बात बताऊं भैया दुनिया में सब चीज बार बार मिल जाती है लेकिन सगा भाई खत्म हो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता है सगा भाई फिर मिलता नहीं है। अब ये रोए बहुत प्रार्थना करे बालक अंते पर बालक इतने निकम्मे इतने नालायक भाई निकरण नहीं दे। जब 13वीं को दिन आयो तो जाने सब बुलाए और रोक बोलो बेटा एक पुआ मोए अपने भैया को खा लन दे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगो लेकिन मोए पुआ खा जान दे मोए अपने भैया की 13वीं में चले जान दे मैं तुम पे कभी कछु नहीं मांगूंगो। जाने रोए के बहुत प्रार्थना करी महाराज जी चलती कथा में नहीं बैठ जाओ चलती कथा में नहीं इंटरवेल में आई चलो। बहुत प्रार्थना करी बालकंते लेकिन बात समझ में नहीं आई। जब 13वीं को दिन आयो एक पुआ नहीं खान दो। जब शाम है गई तो शाम को हमें गाँव ने मुझे नहीं हमें क्या पेरी बिरादरी के लोग खा जाए सब और फिर जो है काम बारे लोग हैं पीछे थे सब शाम को दोबारा आ जाता है कुछ पहले खा जाते हैं शाम को काम बारे की पंगत लगते हैं। बालक ने सोची अब तो सब खाए गए और 13वीं है गई अब जाए निकाल दो सुबह डोकरा निकाल दो। और जैसे ही डोकरा मौको मिलो तो काम बायन की लाइन में जाके चुपचाप पनैयन की जगह पे और जाके बैठ गो और जैसे ही पनैयन की जगह पे बैठे हो बने होते एक छोरा गांव को आए के खीर की बाल्टी लेके आयो
खीर की बाल्टी देख के वो चाचा बैठे। सुबह ने खीर की बाल्टी तो मैं दत दई और सीधो अंदर गयो। बेचारे छोरा तक आए मैंने कि नालायको तुम्हारो चाचा बैठे हो और देखो कहाँ बैठे हो। यहाँ पर नहीं आओ तत्काल दुनिया की और काम भाई नम बैठे हो। अब खून तो खून होता है ना, बिनो को मन तो पहले तो चल लो कि चाचा आ जाए। चूंकि वो तो वही बाप है वही चाचा है, पहले तो ही रो रहे थे वे तो। जैसे अभी भूपेंद्र बताता ना कल कि हम गांव में मैं गया तो मैं गया तो जैसे ही मैं सिर पे हाथ धर के बेरो, चूंकि वे चाहता है कि हमें कोई नेक बुला ले और हम आ जाए हैं। रोए पड़े जाके बोले थे तुम्हारे चाचा जो है रही बा में बैठे हैं काम बाय न में। अरे पागलो, और वे चारों के चारों चले आए चाचा ने के पाम में गिर गए। चाचा अब आप ही हमारे बाप हो, अब हमारा बड़ो बूढ़ो और को रह गए, आप अंदर चलो। चाचा ने अंदर ले गए और अंदर ले जाके चारों को गले से लिपटा के चाचा रोए पड़े और बोले बेटा हो मेरे जियत तुम एक है जाओ, जैसे मेरे भैया मरे हो ना तुम्हारे इज्जत दुख में मरे हो वो, जो तुम एक नहीं है रहते है ना, तुम्हारी फूट ही हमारे दुख को कारण रहती और तुम एक है जाओगे ना तो मुझे बड़ो सुकून मिलेगा। बोले चारे बालक ने कही चाचा चलो हम चल रहे हैं, चाहे भी मार दे हमें लेकिन हम चलेंगे। हमारा बाप तो जय दुख में चले गो, हमारे चाचे मरेगा तो हम ऊपर को रहेगा। और भी चाचा के संग में चारों भैया चले। अच्छा एक बात बताऊं, खून खून के लिए झुकत बहुत जल्दी है, वो तो क्रोध ऊपर कोई रहता है। जब तक दोनों में ठसक है ना तब तक ही ठसक है, और एक जना झुक जाए तो ठसक एक मिनट में गायब है जाते। चो बीतते तो लगाव रहती है। तो जैसे ये चारों गए बाकी घर में घुस के पावन गिर पड़े कि हमें बात दो, हमारी नार पे कुलाड़ी दत दे हो। पर अब हमारा बाप तो चले गो लेकिन अब हम सबन को एक ही बाप रह गए हमारा चाचा, इसलिए हम एक होना चाहते हैं। फिर वह चाचा ने कही नालायको तुम मो जियत एक है जाओ, फिर मेरे मरने की बात तुम्हें जैसो करना होए तैसो करियो। तब भी पांचों भैया भी चारों ते गले लिपट के मिले और नौ है गए। चाचा की खुशी को ठिकानो नहीं है तो चाचा ने रो के कही भैया सब दुनिया वालों को एक बात कहना, चाहे भैया भैया कितनों आपस में लड़ने झगड़ने पर ज्यादा दिना तक दूर न रहे, नहीं तो बैर की गांठ वो बढ़ती ही चली जाती है बढ़ती चली जाती है। अरे लड़ो शाम को एक है जा, कौन लड़ाई झगड़े चार बासन होते हैं तो खटकत तो है ही, लेकिन ज्यादा दिना तक अलग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बैर की गांठ बहुत ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है। भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई ही दुश्मन बन जाए। भाई के भाई में कितना अपनापन होता है ये देखना हो तो एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कितनी लड़ाई चल रही हो लेकिन घर से बाहर का उस शहर में और कोई भैया पे अकड़ रहो हो फिर देखना भैया पर रोका नहीं जाएगा। चाहे घर में बोला चाली बंद हो, चाहे घर में बातचीत बंद हो, लेकिन बाहर देखो तुम यदि भाई पे काऊ ने हाथ उठाए दो होए
तो भाई ने कहा मत जाऊंगो, ऐसे तो मेरे जीवे ते फायदा का है, मेरा मरवा ही बढ़िया है, लेकिन मेरे भाई पे कोई हाथ उठावे। भाई पे गेरे कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। अरे मैया एक बात कहूं, तुम्हारे मायके में तुम्हारे चार भैया होए और तुम्हारी भाभी आए कि बुने में फूट डाल दें तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हारी भाभी आए कि तुम्हारे भैया ने फूट डाल दें तो तुम रो रो करके कितना रोती और माँ बाप से कहती हो कि मेरे भैया ने एक कर दे, लेकिन वो जो भाभी है ना वो एक होने नहीं देना चाहती हैं। तो जैसे तुम अपने मायके में नहीं चाहती हो कि भैया भैया अलग होए, बाप बेटा अलग होए, माँ बेटा अलग होए, माँ बहू अलग होए, नहीं चाहती हो, ऐसे ही तुम जहाँ रह रही हो वहां भी ये कोशिश करो कि भैया भैया हाँ रोटी अलग करो, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें फूट डारवो, फेंट डारवो, मन में भेद डारवो। जो नारी ऐसा करती है ना, उस नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। उस नारी को यहाँ भी सुख नहीं मिलता और वहां भी, नायम लोकोस्ति न पुरो न परो न सुखम संशय आत्मा। ना भाई बगैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। भैया ये राम की कथा यही शिक्षा देती है कि भरत जैसा प्यार, लक्ष्मण जैसा प्यार, शत्रुघ्न जैसा प्यार और मेरे राम जैसा प्यार जिन घरों में आ जाए वहां त्रेता युग और राम कथा सफल हो गई, ये समझ लो। बोलो राम।